हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाज़िम व्लॉग। कैसे हैं आप लोग गाइस? बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है आपके पास में। एक्चुअली क्या है, तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, अब ठीक है पहले से। तो ये मैं सिल रही हूँ अपनी नंद का साड़ी का फ्रॉक सूट बनाया है मैंने। बहुत ही अच्छा लुक आया, बहुत ही अच्छा बन के आया। यहाँ पर मेरे बच्चे खेल रहे थे और बारिश बहुत ज़्यादा बाहर हो रही है। तो ये देखिए हमारी चोली जो है, साड़ी का मैंने फ्रॉक सूट बनाया है, बहुत ही प्यारा लुक आया था। ये मैंने इसमें लेस लगाई तो इस तरीके से मैंने इसको वर्क दिया है। ये हमारा अंगारा फ्रॉक बनाई मैंने, अंगारा फ्रॉक है। इसकी कटिंग दूसरी तरीके से होती है। तो ये मेरी बनके रेडी हो गई है, बहुत ही प्रिटी, बहुत ही ब्यूटी लग रही थी। और हमें यहाँ पे मिल गया सरप्राइज़, अमायरा के मामू भैया ने दिया था सरप्राइज। तो आया था KFC का और पेप्सी। तो किसने भेजा है इसमें देखते हैं, ओपनिंग करते हैं। तो बच्चों की फेवरेट है KFC चिकन की, इसमें पीस है छोटे छोटे और KFC मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है। तो ये है एंड ये है, छोटे पैकेट में आए थे, एक छोटे पैकेट में आए थे। तो ये छोटे छोटे पीस थे एंड बड़े वाले में थे, तो ये बिग थे, बड़े बड़े थे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे, सरप्राइज़ अच्छा था, बच्चे बहुत खुश हुए। और इसमें केक भी आई थी और कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो डाली थी, वो उनके डैडी ने सरप्राइज़ अपने बच्चों को दिया था, बर्गर भेजे थे। तो वो भी बच्चों ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया था। तो बच्चे बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं, आज भी बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहा है। आज को वीडियो में आना बहुत अच्छा लगता है मेरे दोनों बच्चों को, जब भी देखते हैं तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग ऐसे बोलने लगता है। तो आप इसमें देखना भी तो अमायरा कैसे बोलेगी। तो ये देखिए इसमें हम लोग अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, यहाँ बच्चे अर्श थैंक यू बोल रहे हैं और किस कर रहे हैं, प्लैंकिश कर रहे हैं, ढेर सारी बातें भी कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सरप्राइज लगा। तो मामू भैया को थैंक यू बोल रहे थे। ये थे चिकन के पीस, KFC बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। किस किस की फेवरेट है, किसको पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर हम नहीं जा पा रहे हैं, तो इसीलिए उसके मामू भैया ने, उनके डैडी ने सरप्राइज़ देते रहते हैं। तो ये देखिए हमारा बोल रही है यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसे बोलना नहीं आता बट फिर भी बोलती है वो, उसे अच्छा लगता है बोलना। तो यहाँ पे हो गई है सब बच्चों की फिनिश। तो अर्श कह रहा है, अर्श अपना लेके बैठा है, अर्श किसी को भी टच नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। हमारा अपना फिनिश कर रही है। यहाँ पे बच्चों के डैडी आए थे तो बच्चों के लिए केक लेके आए थे। तो हमारा और अर्श दोनों केक को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, केक बहुत ज़्यादा फेवरेट है बच्चों की। ये देखिए यहाँ पे बच्चे मस्ती करने लगे, शाम के टाइम इवनिंग का टाइम था, यहाँ पे बच्चे डांस करने लगे थोड़ा सा ऐसी। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली बच्चों की। तो उनके डैडी लेके आए थे यहाँ पे, केक लेके आए थे, चॉकलेट लेके आए थे एंड ये जम्स वाली जम्स चॉकलेट लेके आए थे। बहुत सारी बच्चों ने, बहुत खुश हुए बच्चे, बच्चे बहुत इन्जॉय किए। बच्चे अपने डैडी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एंड आप देखते भी होंगे कि मेरे बच्चे कमज़ोर लगते हैं तो अपने डैडी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो चलिए मैं एक रेसिपी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी दाल की बड़ी, आलू बड़ी, तो मैं लेके आई थी दाल की बड़ी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैंने दाल को, बड़ी को थोड़ी 5 मिनट के लिए इसे मैंने भिगोने रख दिया था। उसके बाद मैं अपना ऑयल डाला, ऑयल में थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई कर लिया, हल्का सा ब्राउन के लिए सॉटे कर लिया। उसके बाद में मैंने इसे निकाल लिया। उसके बाद में ज़ीरा और प्याज से इसे मैंने फ्राई कर दिया। कोई फर्स्ट टाइम आके चैनल पे विजिट कर रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसको हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, सॉटे कर लेते हैं, हल्का सा ब्राउन हो जाएगी। उसके बाद में मैंने अपना लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए जो मैंने पीस लिया था, इसमें आप चाहें तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके बच्चे लाल मिर्च अगर नहीं खाते हैं। वैसे भी लाल मिर्च स्किप करना चाहिए हमें, ज़्यादातर हरी मिर्च ही खाना चाहिए, वो बच्चों को फ़ायदेमंद भी देती है एंड बड़ों को भी। इसमें डालेंगे हमने कुछ मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला डाला मैंने इसमें एंड थोड़ा सा मैजिक मसाला मैंने इसमें ऐड किया था। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना कम ज़्यादा रख सकते हैं और अपना एंड हमारा। अब ये मसाला हम अच्छे से, खूब अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसी के बीच में हम अपनी इसमें बड़ी भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी बड़ी अच्छे से अंदर से पक जाए, फ्लफ़ी हो जाए। एंड मैंने इसमें आलू भी अपने ऐड कर दिए। इसको हमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है, भून लेना है ताकि जो हमारा मसाला है अच्छे सब्ज़ी की टेस्ट
अंदर पहुंच जाए। यहाँ मेरे बच्चे खेल रहे थे और ये देखिए अमारा बात कर रही है। यहाँ पे मेरा अर्श ना गिर गया था खेलते खेलते, अमायरा अर्श दोनों खेल रहे थे तो बहुत तेज़ चोट लग गई एंड गर्मी के मारे बहुत सारी फुंसी निकली हुई थी, तो जो हेड था वो दीवार पे जाके लगा तो सारी फुंसियाँ फूट गई थी, तो इस वजह से सारा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो गई थी उसके। बट वो अब ठीक है, पहले से स्वेलिंग उसकी ठीक हो गई है, मेडिसिन भी लेके आई थी मैं, तो अब मैं छोटा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, बट मेरा बेटा अब ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने मसाला पहन के अपनी चार सीटी लगा देंगे, हमारी रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। जब तक हमारी सीटी लग रही थी तो अर्श कहने लगा, मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया, तो कहने लगा कि मम्मा मैं बात करूँगा, उसे वीडियो में आना बहुत अच्छा लगता है एंड देखो आप लोगों से बातें भी कर रहा है। हेलो गाइस, मिर्ची है, वेजिटेबल है, आप लोग सुनिए, वेजिटेबल है, अर्श की चोट का लग गई है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है, देखो बता भी रहा है, ठीक हो जाए है ना, पूरे फेस पे स्वेलिंग हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई, बहुत घबरा गई थी। वो बाय देंगे आपको, अच्छा, और डैडी को बहुत मिस कर रहा था, डैडी आई भी कर दो, बाय बाय, पूछो भी कर दो, ये देखो फ्लैंकिश कर रहा है, बाय कर रहा है, सलाम भी कर दे रहा है। यहाँ पे इसी बीच में हमारी रेसिपी भी बन के रेडी हो गई है दाल बड़ी की, तो आप लोग बताना कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जल्दी ही, आपके साथ मिलूँगी, वीडियो जल्दी से नहीं आ पाती है, तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी और बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, तो इसलिए मन भी नहीं कर रहा था, बहुत सी टेंशन, अब तबीयत ठीक है।